नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। साथ फेरे लेकर उम्र भर साथ निभाने का वादा करने वाली पत्नी अगर अपने ही पति की कातिल बन जाए तो आप किस पर यकीन करेंगे। ऐसा ही एक मामला राजधानी देहरादून से सामने आया है, जहां पत्नी ने प्रेम प्रसंग के चलते अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या को अंजाम दे दिया। पुलिस ने मामले में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए जुर्म की दास्तान की एक खास रिपोर्ट। दरअसल मामला रायपुर थाना क्षेत्र का है, जहां वीडियो में खड़ी महिला विजय लक्ष्मी पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति पंकज की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी विजय लक्ष्मी की शादी साल 2006 में पंकज से हुई थी, लेकिन शादी के बाद ही दोनों में आपसी झगड़े होते रहते थे। मगर शायद पंकज को ये नहीं पता था कि जिस युवती से उसने सात फेरे लेकर शादी की है, वही एक दिन उसकी मौत की वजह बनेगी और उसकी बेटी से उसके बाप का साया छीन लेगी। शादी के इतने साल बाद विजय लक्ष्मी ने अपने प्रेम प्रसंग में रोड़ा बन रहे अपने पति को नींद की गोलियां दे दी और खत्म कर दिया शादी का वो किस्सा जिसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। वहीं घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर दोनों को जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। दिनांक 28 को हमारे पास रायपुर थाने में एक डेथ मेमो प्राप्त हुआ था, जिस पर जो है पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई की गई। 29 तारीख को मृतक की मां द्वारा जो है एक तहरीर दी गई है, जिसमें उनके द्वारा मृतक की पत्नी और उसके दोस्त पर जो उनके पुत्र की हत्या का आरोप लगाया गया है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विवेचना से पता चला है कि जो मृतक की पत्नी है और उसके दोस्त द्वारा उसको जो है नींद की गोली खिला करके उसकी हत्या कार्य की गई थी, जिस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और दोनों की अरेस्टिंग की गई है। पूछताछ में प्रथम दृष्टया ये चीज आई है कि जो मृतक की पत्नी है उसका एक व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा था, उसी चीज को लेकर के उन दोनों के बीच में अनबन थी और उसी चीज को लेकर के प्रथम दृष्टया डॉक्टरों ने सस्पेक्टेड पॉइजनिंग की बात की है, जिसमें विसरा प्रिजर्व किया गया है और उसको आगे फर्दर एनालिसिस के लिए भेजा गया। हर खबर में होगी हमारी नजर, खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।